नमस्कार, मैं हूं धीरज जुनेद, आपका स्वागत है मूवी मसाला में। इस दिवाली पर जब आप पटाखे खरीदने जाएंगे तो दो पटाखे आपको नए नजर आएंगे। एक का नाम है जब तक है जान, दूसरे का नाम है सन ऑफ सरदार। यानी कि दोनों फिल्में इस बार दिवाली पर रिलीज होंगी। नजर इस बात पर रहेगी कि कौन सी फिल्म ज्यादा पैसा कमाती है। मगर आपको बता दें, ताजा अपडेट यह है कि सन ऑफ सरदार ने एक लंबी सी दहाड़ मारी है। क्या है वो? दिवाली की सबसे बड़ी टक्कर में सरदार का पहला सबसे बड़ा धमाका। सिंह की लगी सबसे ऊंची बोली, 96 करोड़ की सन ऑफ सरदार। अजय की फिल्म सन ऑफ सरदार को फिल्म पैनल इरोस ने 96 करोड़ में खरीदा है, जो अब तक की सबसे बड़ी रकम है। यानी आज तक किसी भी फिल्म को इतनी मोटी कीमत पर नहीं खरीदा गया। अब बायकॉम प्रोडक्शन की फिल्म सन ऑफ सरदार का डिस्ट्रीब्यूशन इरोस के जिम्मे है। फिल्म बैनर को यकीन है कि अजय की फिल्म 100 करोड़ क्लब का हिस्सा जरूर बनेगी। जैसे फर्स्ट ट्रेलर आउट हुआ, इतना पसंद आया लोगों को कि 2 या 3 बायर्स मार्केट में थे। और ऑब्वियसली जब इरोस ने खरीदा इस फिल्म के राइट्स को, तो जो प्रोड्यूसर्स है उनको मुनाफा तो होना ही था, बिकॉज ये बहुत गर्म हो चुकी थी। एक प्रोमो ने यूं मानिए कि जादू कर दिया। तो अजय की फिल्म के साथ ही इंडस्ट्री के 2 बड़े बैनर्स ने हाथ मिला लिया है, जो सन ऑफ सरदार के जरिए यशराज की रोमांटिक फिल्म जब तक है जान को टक्कर देने की तैयारी में है। शाहरुख की फिल्म का डिस्ट्रीब्यूशन खुद यशराज के जिम्मे है। फिल्म के प्रोमो को मिले अच्छे रिस्पांस के बाद यशराज भी जब तक है जान को प्रमोट करने में कोई कमी नहीं रखने वाला। तेरे झूठे कसमें वादों से, तेरे जलते सुलगते ख्वाबों से, तेरी बेरहम दुआओं से नफरत करूंगा मैं जब तक है जान। अजय के पास है इंडस्ट्री के 2 बड़े फिल्म बैनर्स का साथ, तो शाहरुख के पास है अब तक की सबसे हिट रोमांटिक फिल्में बनाने वाले बैनर का हाथ। बॉक्स ऑफिस पर जीत के लिए जंग का बिगुल बज चुका है। अब आगे आगे देखिए होता है क्या। मुंबई से लाडा गुरदेन सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। वैसे अजय देवगन से पहले भी बॉलीवुड के खान, कपूर और कुमार्स भी सिख का किरदार निभा चुके हैं, और ज्यादातर स्टार्स ने इसमें कामयाबी ही पाई है। सिल्वर स्क्रीन पर सिंह का बोलबाला, सरदार बनकर मारी बॉक्स ऑफिस की बाजी। पग पहनकर दाढ़ी मूछ बढ़ाकर अब अजय देवगन बन गए हैं सन ऑफ सरदार। सॉरी यार, दुनिया बेकार बिना सन ऑफ सरदार। इससे पहले अक्षय कुमार सिंह का ताज पहनकर बॉक्स ऑफिस पर अपना हिट खेल दिखा चुके हैं। आज दिन चढ़या तेरे रंग वरगा। सबके दिलों पर राज करने के लिए सैफ अली खान ने पग बांध कर लवाजकल में प्यार की पींगे चढ़ाई। सैफ के लिए भी ये फॉर्मूला एकदम फिट रहा। फूल सा है खिला आज दिन, मैं निकला गटी लेके और सनी देओल ने भी सिंह बनकर खूब कदर मचाया। एक मोड़ आया, मैं तख दिल छोड़ आया, मंगिया सी मन्नता दे मन्नत। बॉलीवुड का दबंग भी सरदार के गेटअप के साथ एक्सपेरिमेंट कर चुका है, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं दिखा पाई। तू जो मिले जिंदड़ी जन्नता वे जन्नता, हवा जरा सी लग रही। रॉकेट सिंह बने रणवीर भी सरदार के किरदार में एकदम फिट बैठे, लेकिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन रहा फीका। शाहरुख और आमिर भी एड फिल्मों के लिए सरदार के गेटअप में नजर आ चुके हैं, और जल्द ही नजर आएंगे फरहान अख्तर भी सरदार बनकर मिल्खा सिंह के किरदार में। धीरज जुनेजा, मुंबई आज तक। तो अपनी फिल्म भूत का सीक्वल लेकर आ रहे हैं राम गोपाल वर्मा। फिल्म का नाम है भूत रिटर्न, मगर इस फिल्म से कमबैक हो रहा है मनीषा कोइराला का। वो कहां थी बाय द वे?
देखते हैं। क्या इस लड़की को देख के आपको डर लगता है? अगर लगता है तो डरिए मत, क्योंकि ये क्यूट सी लड़की आज हमारे पास यहाँ पर है, इसको देख के आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा, है ना? निम्मी है ना आपका नाम मूवी में? हाँ। असली नाम क्या है आपका? अलायना। अलायना को डर लगता है? नहीं, शब्बू मुझे मारेगी। निम्मी शब्बू नहीं। आपने पहले भी भूत से लोगों को डराया था, अब भूत रिटर्न्स में क्या अलग है इस बार? भूत रिटर्न्स में अलैना अलग है, पहली बात ये है। और दूसरा आई थिंक मनीषा हैज डन ए फैंटास्टिक परफॉर्मेंस। इसकी कैरेक्टर का जो ये है, द फैक्ट दैट ए मदर इज स्केर्ड ऑफ हर ओन डॉटर, वो एक वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ एक्ट्रेस है। माँ बेटे का रिश्ता आप दोनों में है, आप में और अलैना में, लेकिन किस तरह डर कैसे क्रीपन करता है क्या? वेल दैट्स द होल स्टोरी, यू विल हैव टू, आपको फिल्म देखना होगा इसके लिए। लेकिन यस, इट्स द काइंड ऑफ अ कैरेक्टर दैट यू नो माँ अपनी बेटी से डरती है, सो इट्स क्वाइट अ यूनिक कॉन्सेप्ट। आपने इतनी सारी हॉरर मूवीज बनाई, लेकिन क्या रियल लाइफ में सर आर यू स्केर्ड ऑफ समथिंग, आर यू सुपरस्टिशियस अबाउट समथिंग, कुछ मानते हैं आप? Not really. I'm not superstitious. I don't believe in ghosts, but I like to scare people. So maybe I am a ghost myself. आप डरती हैं किसी चीज़ से असल ज़िंदगी में? Of course I get scared when I see a scary film. I get scared. डर जो है अगर इन योर फेस हो और वो हो जाता है अगर 3D इफेक्ट जो हमने यहाँ पे देखे, उसके बारे में बताइए सर, किस तरह से पूरी टेक्नोलॉजी को? सी 3D में एक स्पेशलिटी है कि वो थर्ड डायमेंशन की वजह से हमको एक आम आदमी को ऑडियंस को थिएटर में है, तो ऐसा लगेगा कि शायद मैं भी वो कैरेक्टर्स के साथ वो सिचुएशन में हूँ, सो यू वोंट फील सेफ। भूत रिटर्न्स जो 12 अक्टूबर को आ रही है, आप ही बता दो अपने सारे ऑडियंसेस को जो आपके फैन बनने वाले हैं कि वो आके क्यों देखें? क्योंकि उनको ये मूवी अच्छी लगती है। डर नहीं लगेगा ना? नहीं। चलिए, इनका फायदा है। लेकिन राम गोपाल जी मेरे ख्याल से कुछ अलग कहेंगे कि आना जरूर, लेकिन डरना डरना जरूरी है। सूर्या सिंह, मुंबई आज तक। तो कैसा लगा आपको आज का शो? आप हमें जरूर लिखें इस एड्रेस पर mm@aajtak.com पर। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, मगर जाते जाते आपके लिए फिल्म मक्खी का प्रोमो। इस फिल्म का हीरो ही एक मक्खी है, काफी इंटरेस्टिंग है, प्लीज वॉच इट। नमस्कार। दो साल से देख रहा हूं, तू उसके पीछे दीवाना रहता है। अरे वो तुझे देखती भी नहीं है यार। अरे, 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 अरे। सबको प्रसाद देकर उसने मुझे नहीं दिया, उसके लिए मैं कितना स्पेशल हूं यार। मुझे मारेगा? बिंदु के पास भी गए तो मार दूंगा। आई लव यू। मक्खी मक्खी मक्खी, किसी मक्खी तुम्हें इतना पागल कर रही है क्या? पिटी मक्खी।